सर अभी से आप घड़ी मत देखिए, अभी बहुत टाइम है मेरा। मैं आपको ही देख रहा हूँ, आप बोले। थैंक यू सो मच सर, मुझे उम्मीद है समय का पालन करेंगे। सर आई विश टू कांग्रेचुलेट द पार्टी बीजेपी एंड देयर एलाइज, दे हैव वन अ ह्यूज मेजॉरिटी। बट सर आई एम अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, आई नो सो मेनी रिजीम्स विच वोंट ग्रेटर मेजॉरिटी। दे मस्ट रिमेंबर एज अ मैटर ऑफ कॉशन दैट अ लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी डज नॉट मीन अ मॉरल मेजॉरिटी। इट हैज टू बी सीन a legislative majority when it is a moral majority, history remembers them kindly forever. But if legislative majority is bereft of the idea of moral majority, history is very, very unkind. So that's a matter of caution. So my second issue before, main thoda halki phulki baat karna chahta tha, kai dafa chahta hu ki pradhanmantri ji ke samne bolun lekin ho hi nahi pata. मैं एक दूसरी चीज जो मैं कहना चाह रहा हूं सर, ये जो हमारे यहां एक 7, 8 और 12 नंबर पॉइंट प्रधानमंत्री जी का, हमारे कई साथियों ने कहा सर, हमें इस लालच से बचना चाहिए कि हमारे से ही सभ्यता की शुरुआत हुई, हम नहीं रहेंगे तो सभ्यता खत्म हो जाएगी। मेरे से पहले शून्य था, मेरे बाद अंधकार हो जाएगा। सर जिस किसी दल ने, नेता ने ऐसा सोचा ना सर, आज आप देख लीजिए इतिहास पलट के, इतिहास उनको कैसे देख रहा है। मैं देशों का, मुल्कों का नाम नहीं लेना चाहता सर, ये कौन सी बात हुई कि 2014 से सब कुछ शुरू हुआ। सर अगेन एज अ फ्रेंडली एडवाइस टू द ट्रेजरी बेंचेस, एनी रेजिम इफ दे विश टू रिक्रिएट, दे हैव डन recreation of past on fictional items, fictional agenda, they have actually become history. इससे डरना चाहिए। मैं सर थोड़ा हल्के हल्के ही बोल रहा हूं ये सब। तीसरी चीज जो मैं एनआरसी, सर घड़ी मत देखिए आप, नहीं मैं घड़ी नहीं आपको ही देख रहा हूं आप। तीसरी चीज सर, कई दफा एक तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का जिक्र आया, फिर एनआरसी की बात हुई। एनआरसी को लेकर के तो ऐसे तुरही बजाई जाती है कि मतलब उसमें समावेश कम है और डर और खौफ का माहौल ज्यादा बनता है। तो एनआरसी और इस पर जब मैंने जितना अध्ययन किया है सर, अगर ऊपर में स्वर्ग नाम की कोई चीज होगी, जहां आज महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना मिलेंगे ना, तो बापू कहेंगे जिन्ना तुम जीत गए, मैं हार गया। जिन्ना को जीते जी जो हासिल नहीं हुआ ना सर, हमने उसकी मौत में उसको ये दे दिया। मैं धन्यवाद करता हूं कि जिन्ना को आपने जिंदा कर दिया। मैं कुछ डेटा सर मैं देना चाहता था जॉब्स को लेकर के, मेरे कई साथी बोल चुके हैं सर, ये बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट का जो सिचुएशन है, ये मुल्क के लिए एक भयावह है। आज आप चुनाव जीत रहे हैं, आपने एक नायाब फॉर्मूला विकसित कर लिया है प्रयोगशाला में कि गवर्नेंस के इश्यूज मैटर करें या ना करें, बेरोजगारी विकराल है, लेकिन फिर भी आप तसल्ली से जीत रहे हैं। लेकिन यह फॉर्मूला हमेशा काम नहीं आएगा। अगर युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, अगर युवाओं को गेनफुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, अगर आपका असंगठित क्षेत्र ब्लीडिंग रहेगा, अगर आपकी किसानी संकट में रहेगी, तो कतई आप जो कहते हैं ना कि $5 trillion इकॉनमी, ना जाने कहां से सोच रहे हैं सर। क्रोनी पूंजीवाद की एक बड़ी खूबी है, 10 बरस से कई हमारे कांग्रेस के साथियों को भी मुगालते में रखा, इन्हें भी मुगालते में रख रहे हैं। क्रोनी पूंजीवाद अपने अलावा कुछ नहीं देखता, बाजार मूलतः हिंसक होता है सर, और बाजार की हिंसा बड़ी भयावह होती है। मैं तो अपने विश्वविद्यालय को देख रहा हूं सर, फी की बढ़ोतरी इस प्रकार हो रही है ना कि जो निम्न आय वर्ग से आने वाले बच्चे हैं, अब उनके लिए दरवाजे बंद हो गए। क्या हमने तय कर लिया है कि 5 समृद्धि के टापू जो तय करेंगे वो उस मुल्क की हकीकत होगी, और बाकी सब असमानता के महासागर में गोते लगाते रहेंगे, चुनाव के दिन आएंगे ईवीएम दबा देंगे, जीत हो सकता है फिर आपकी हो जाए, लेकिन उससे हकीकत नहीं बदल रही है। मेरा सिर्फ आग्रह होगा कि प्रेसिडेंट के जो, हमारे माननीय राष्ट्रपति जी का जो एड्रेस हो, वो हकीकत के से मिलता जुलता हो, 100% नहीं तो कम से कम 50%। सर डिजिटल इंडिया और अकाउंट्स की बहुत बात हुई, एक छोटा आंकड़ा दे रहा हूं सर, इन ऑपरेटिव अकाउंट्स आज सबसे हाईएस्ट पहुंच गया है, क्लोज टू 25%
इनऑपरेटिव अकाउंट्स ना, एक तो मुझे समझ में नहीं आता है इनको मनमाफी की डेटा कहां से मिल जाता है। पहले हम सोचते थे कि लोग टहलते घूमते हुए प्रोटेक्शन के लिए एसपीजी चाहिए, अब तो इस देश में डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए भी एसपीजी चाहिए, डेटा ही प्रोटेक्टेड नहीं है। कहते हैं कि ये डेटा कहां से आ गया, इस डेटा को हम नहीं मानते, तो कमाल की बात है। इसलिए मैंने कहा कि मन माफिक डेटा जहां मिल रहा हो, मैं करप्शन के बारे में एक शब्द जरूर कहूंगा। बड़ी तेवर से बात हुई तो मेरे मन में आया, सर शेक्सपियर कहते थे, ओ ब्रूटस एज यू नो वाज सीजर्स एंजल, दिस वाज द मोस्ट अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल। करप्शन पर जब आप बोलते हैं, और मैं देखता हूं कि आपके सहयोग और आशीर्वाद से लोग विदेश प्रवास कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये अनकाइंडेस्ट कट। ईमानदारी इतनी होनी चाहिए कि क्या हमने किया और क्या हमने नहीं किया। सर पॉइंट नंबर 11 और 12, जातिगत उत्पीड़न हिंसा बदस्तूर जारी है। मैं सदन में पहले भी बोल चुका हूं, आज दोहरा रहा हूं, भीड़ की हिंसा को अगर लगाम नहीं लगी तो भीड़ आज किसी एक समुदाय या दो समुदाय को निशाना बना रही है, लेकिन भीड़ का चरित्र होता है उसको स्वाद बदलने की जरूरत होती है। कल हम सब इसकी जद में आएंगे। सर मैं इस मुल्क में 52वें वर्ष में मैंने प्रवेश किया है, हमने कभी सर मॉब लिंचिंग डेली वोकैबुलरी का हिस्सा नहीं हुई। जहां सुनो खान पान के कारण मार दिया गया, पहनावे में मार दिया गया, आज कोई कह रहा तो चोरी के शक में मार दिया गया। अरे डकैती भी अगर की हो तो क्या इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, या हमने तय कर लिया ऑरवेलियन फ्रेम में ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। सर यह सोचना होगा, यह सलाह भी, मैं कोई चीज आलोचना में नहीं कह रहा हूं, अभी चुनाव बहुत दिन नहीं हुआ, कहेंगे तुरंत आलोचना शुरू कर दिया, तो आज मैं सिर्फ समालोचना में आपको सुझाव देने की कोशिश कर रहा हूं। सर एक चीज आगे आने से पहले कहूंगा, 105 नंबर पॉइंट देखिएगा सर, आप तमाम साथियों से ट्रेजरी बेंचेस पे आग्रह है, संवैधानिक मूल्यों की चर्चा की है हमारे राष्ट्रपति जी ने, सर उसमें सेक्युलरिज्म गायब हो गया, सेक्युलरिज्म है ही नहीं सर, कुछ हुआ क्या इस बीच में? यह सेक्युलरिज्म को हमने बना दिया है, गिव अ बैड नेम टू अ डॉग एंड देन किल हिम। सर सेक्युलरिज्म को बीते कुछ वर्षों में हमने मुसलमान के गले की घंटी बना दिया ना, मेरा वास्ता है सेक्युलरिज्म से, क्योंकि हिंदू धर्म की जो डायवर्सिटी है वो सेक्युलरिज्म से प्रोटेक्टेड है। अगर सेक्युलरिज्म निकल गया ना सर, वैसे भी सोशलिज्म खा ही गए लोग, तो बचेगा क्या इस देश में? प्रस्तावना में क्या बचेगा? खाली पन्ना। सर खाली पन्ना नहीं चाहिए, भरा पूरा पन्ना चाहिए, पुराने इंडिया वाला, नए इंडिया का जो ये पन्ना है सर ये डराता बहुत। सर सहकारी संघवाद पे आने से पहले मैं बार बार कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के सामने बोलता, क्योंकि संवाद सीधे हो जाता है तो वो कुछ एक्शन भी तुरंत ले लेते शायद। एक शेर है सर, तेरे दस्ते सितम का अर्ज नहीं, दिल ही काफिर था जिसने आह न की। तो वही दिल काफिर है, आह भी नहीं कर रहा है। अब सहकारी संघवाद पे आइए सर, जिस दिन राष्ट्रपति महोदय अभिभाषण दे रहे थे सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, सर उसी दिन चार इधर से उधर चले गए सर, चार हमारे प्रिय साथी। और मेरे जहन में आया कि उसी का दम है इस जमाने में, इधर का दिखता रहे उधर का हो जाए। मैं वही कह रहा हूं ना, उसी का दम है इस जमाने में, जो इधर का दिखता रहे उधर का हो जाए। तो ये सहकारी संघवाद, सहकारी संघवाद हमने गोवा मणिपुर मेघालय में देखा, और अभी सर ताजा ताजी देख रहे हैं बंगाल में, 24 घंटा सातों दिन। सर बंगाल का हूं नहीं, बड़ी मोहब्बत में, जितना साहित्य पढ़ा ना बंगाल से ही पढ़ा, हिंदी में अनुदित किताबें पढ़ी। सर जिस दिन ईश्वरचंद विद्यासागर की मूर्ति टूटी थी ना, उस दिन मुझे लग गया कि बंगाल को तकसीम के दौर में ले जाने की कोशिश हो रही है, 46-47 46-47 बंगाल ने बहुत भुगता था सर, गांधी के आखिरी फेज को सब पढ़े, कैसे खड़े हुए थे, क्या क्या उन्होंने नहीं किया था बंगाल को उस दंश से बचाने के लिए। आज कोई नहीं, चंद सीटें आप जीत जाएंगे मैं मानता हूं,
जीत गए आप लोकसभा में, लेकिन बंगाल हार जाएगा, ईश्वरचंद विद्यासागर हार जाएंगे, गुरुदेव हार जाएंगे, क्योंकि गुरुदेव को कोट किया था माननीय राष्ट्रपति जी ने। लेकिन वही गुरुदेव कहते थे, वेयर द वर्ल्ड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। और यहां दौर कर दिया ऐसा कि निसार में तेरी गलियों पे वतन, कि जहां चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाब को निकले नजर बचा के चले, जिसमो जान चुरा के चले। क्या ऐसा चाहते हैं? फैज ने यह पाकिस्तान के लिए लिखा था सर, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो पाकिस्तान 47 से अब तक था ना, हम पाकिस्तान की नकल कर रहे हैं, हम पाकिस्तान बनना चाह रहे हैं, हम हिंदू पाकिस्तान बनना चाह रहे हैं, और काफी हद तक सफल हो रहे हैं सर। अब क्या हो गया, आप देश छोड़ के जा भी नहीं सकते, यही रहना होगा। इंश्योरेंस बेस्ड हेल्थ मॉडल बड़ी चर्चा हुई, कई लोग कहते हैं कि इसी वजह से चुनाव जीत गया। सर ये इंश्योरेंस बेस्ड हेल्थ मॉडल की पड़ताल की जरूरत है। ये किसके हेल्थ की चिंता है, इंश्योरेंस कंपनीज की या आम आवाम की? इंश्योरेंस कंपनीज बहुत खुश हैं सर, मैं जानता हूं, कई साथी हमारे काम करते हैं, वो कहते हैं मजा आ गया, बहुत ड्राई चल रहा था, अचानक से बूम इन हो गया। सर इंश्योरेंस जी एक मिनट, आपके पास दो मिनट है, हम बोलने का वक्त देंगे सर, तीन है मेरा, दो मिनट है। विचार श्रृंखला बिल्कुल टूट सी गई साहब, आप प्राध्यापक हैं, आपकी विचार श्रृंखला नहीं, दिक्कत नहीं, वो नहीं है, तीन मिनट में आप कंक्लूड करें कृपया। नहीं सर, कंक्लूड कहाँ भी तीन मिनट था, उसमें तो और दिमाग खराब। कृपया कंक्लूड करें, आप समय के बारे में देख रहे हैं जो सर मैं देख रहा हूँ, प्लीज प्लीज, मैं तो बंगाल भी देख रहा हूँ सर, इंसान के होते हुए इंसान का ये हश्र देखा नहीं जाता, मगर देख रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता था सर, किसानी और खेतीहर समाज पे बहुत बात हुई, मैं सरकार को ये बताऊं, 7-9% ही सिर्फ खरीद होता है सर, और आपकी लागत का जो कैलकुलेशन है ना, कोई ब्यूरोक्रेट बैठ के करते हैं यहाँ, जिसको किसानी के बारे में पता नहीं, रबी खरीद पता नहीं, लेकिन उन्होंने तय कर दिया। तो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य, इट माइट विन यू एन इलेक्शन, लेकिन मुझे याद है कि दिनकर जी ने संभवतः 50 में लिखी होगी कि बैलों के ये बंधु वर्ष भर ना जाने कैसे जीते हैं, बंधी जी आंखें विषम, गम खा शायद आंसू पीते हैं। तो आज भी कोई बदलाव नहीं हुआ। अब मैं आखिरी चीज जो मैं कह रहा था कि हेल्थ मॉडल जो जहां से बात टूट गई, वो इंश्योरेंस कंपनीज के हेल्थ को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के लिए है। सर मुजफ्फरपुर ना हुआ होता, मुजफ्फरपुर में बच्चे इंसेफ्लाइटिस से नहीं मरे हैं सर, वो हमारी संवेदनाओं के मर जाने की वजह से मरे हैं, हमारे सरोकारों के मर जाने की वजह से मरे हैं। और वो बच्चे कौन है सर, इस मुल्क में वो मायने नहीं रखते। आज ही सोशल ऑडिट रिपोर्ट आई है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी यहां है, 3/4 ऑफ द किड्स आर फ्रॉम BPL फैमिलीज, 150 रुपया प्रतिदिन उनकी आय है, और हम मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, इतना ग्रोथ, ये किसके लिए, किसका चेहरा है उस ग्रोथ में? मेरे उन बच्चों का चेहरा नहीं है जिनके आंगन की किलकारियां खत्म हो गई। मैं सिर्फ आखिर में ये आपसे कहना चाहूंगा महोदय, कि स्वच्छ भारत अभियान, सर मेरे नेता जो सदन में प्रतिपक्ष के हैं वो कह चुके, बाकी साथियों ने भी कहा, स्वच्छ भारत सर एक एडवर्टाइजिंग कंपनी द्वारा लाया गया प्रोग्राम है, जिसमें एडवर्टाइजमेंट पे बहुत खर्च, कोर कंपोनेंट पे बिल्कुल खर्च नहीं है सर। स्वच्छ भारत अभियान अगर होता ना, तो सेप्टिक में उतर करके, सीवर टैंक में उतर करके लोगों की मौतें नहीं होती, और हम प्रतिक्रिया देते हैं अगले दिन निकल जाते हैं। सर सीवर में उतरने वाले की, मैं पहले भी सदन में कहा कि हमारे मुल्क को चंद्रयान भेजने का कोई मतलब नहीं है अगर सीवर में उतरने वाले की आप जाति नहीं बदल सकते। आज भी उसी जाति के लोग उतर रहे हैं बिना मोटराइज्ड इक्विपमेंट के। तो मैं, और आखिर में सर, क्योंकि मेरा तो पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस ही डिस्टर्ब हो गया।